इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मोहन सरकार ने एमपी के कर्मचारियों को दिवाली की दोहरी खुशी दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के लिए दिवाली पर एडवांस सैलरी का ऐलान कर दिया है। जी हां, और इसी के साथ ही उनके लिए महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। एमपी के कर्मचारियों को बड़े महंगाई भत्ते की सौगात देते हुए 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता लागू भी कर दिया गया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। यही नहीं, इसे 1 जनवरी 2024 से लागू भी कर दिया है, यानी अब सरकारी कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। खासकर इसकी बधाई डबल तब हो जाती है जब दीपावली भी है और इस अवसर पर मध्यप्रदेश की स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी है। सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% की दर से दिया जाएगा। आज हमारा अक्टूबर चल रहा है लेकिन हम आप सबको 1 जनवरी से देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार आप सबको पुनः बधाई। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमा शंकर तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी मांग 3% और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की है। सीएम ने केवल जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता देने की घोषणा की, लेकिन जुलाई 2024 से 3% भी लागू किया जाए। कुल 7% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हमारा निवेदन है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारा जुलाई 2024 से जो 3% बकाया है उसको भी प्रदान करें ताकि प्रदेश का कर्मचारी केंद्रीय दर व केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता का लाभ प्राप्त कर सके। और दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा देने पर अब सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने इसको लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया और वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता लागू करने की मांग की गई थी जिसे नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार है तो दोनों जगहों पर समान महंगाई भत्ता देना चाहिए। उनकी माने तो कर्मचारियों को 50 नहीं 53% भत्ता दिया जाना चाहिए और एक मुश्त एरियर की राशि देने की भी तारीख जताई जाए। जो कर्मचारियों पेंशनर्स की मांग थी उसको केंद्र के समान लागू नहीं किया है। केंद्र महंगाई भत्ता दे रहा है 7% की दर से, राज्य दे रहा है 4% की दर से बढ़ाया है, मतलब केवल 50% किया, जबकि केंद्र 53% दे रहा है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से फिर से वही मांग है कि केंद्र, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, आप ही लोग छाती पीट पीट के बोलते हैं, तो जब डबल इंजन है तो जैसा पावर ऊपर के इंजन में होगा वैसे ही पावर नीचे के इंजन में होना चाहिए। मोहन यादव जी ने जिस प्रकार का निर्णय लेकर सहृदय मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में निर्णय लिया और डीए में जो बढ़ोतरी की है ये मध्य प्रदेश में दीपावली के उत्सव में उमंग और उत्साह भर देगा, क्योंकि दीपावली का उत्सव है। इस उत्सव में उमंग होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, लेकिन आज भी देखिए जिस दुर्बुद्धि के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो आज भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और इसी बीच एमपी में डीए के साथ अब पुरानी पेंशन को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पुरानी पेंशन कब लागू करेगी, सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई बात क्यों नहीं करती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन लागू करने की बात कही थी। कोरोना जैसे समय में कर्मचारियों ने जान हथेली पर रखकर काम किया था लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही। सरकार डीए बढ़ाने की बात करती है, केंद्र समान डीए मध्य प्रदेश में लागू होगा, लेकिन सरकार ये कब बोलेगी कि पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। पुरानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो में था और हम लगातार उन कर्मचारियों के हित में मांग करते रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि जो लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे करके कोरोना के दौरान भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, काम में लगे रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम अगर उनको मिल जाती तो क्या होता। मैं समझता हूँ कि सरकार को कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पे लागू करना ही चाहिए।
और मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में 2 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। बता दें 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 को भाई दूज की छुट्टी, लगातार 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ये बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में 2 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें आपको 1 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, 3 को भाई दूज की छुट्टी है, लगातार 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। और एमपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष का जल्द ही चुनाव होगा। बीजेपी अध्यक्ष चुनने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और मंत्री संपत्तिया उइके के नाम पर चर्चा चल रही है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बेहतर कार्यकाल को देखते हुए रिपीट किए जाने की संभावना ज्यादा है। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब जो है चर्चाओं का दौर चल रहा है। कई सारे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं कि इन नामों पर मुहर लग सकती है, चूंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है प्रदेश अध्यक्ष का वीडी शर्मा का, और उनके अच्छे कार्यकाल को देखते हुए ये भी हो सकता है कि उनका कार्यकाल फिर से रिपीट किया जाए। तो राजेंद्र शुक्ला जो कि सरकार में डिप्टी सीएम है, इन्हें ये मिल सकती है जिम्मेदारी। नरोत्तम मिश्रा है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही साथ ये अरविंद भदौरिया पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के नेता है, इनका भी नाम चर्चाओं में है। तो वहीं कविता पाटीदार हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, सांसद हैं, इनका नाम भी चल रहा है। राजेंद्र शुक्ला सरकार में डिप्टी सीएम है जो, इनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस नाम पर मुहर लगती है या फिर से रिपीट बीजेपी वीडी शर्मा को ही करती है। मंडल से लेकर जिला और प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव निर्वाचन की कवायद होगी। निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी में सभी पदों पर पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा। यहाँ पद केवल सेवा का माध्यम होता है, जिसको भी पार्टी दायित्व देगी वो पार्टी को और ज्यादा मजबूती से आगे लेके जाएगा। हमें याद है बीडी शर्मा जी आखिरकार अध्यक्ष बने थे और उसके बाद उनकी 11 महीने कार्यकारिणी नहीं आ पाई थी, तो ये हाल है। अब ये अध्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, नीचे प्रदेश अध्यक्ष पे, तो या तो नेता की कमी है कि अध्यक्ष नहीं बना सकते, या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो हालात सरफटब्बल के हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब तक गुटबाजी नहीं खत्म कर पाएगी तो अध्यक्ष कैसे बनाएगी, देखते हैं कौन बनता है। मुख्यमंत्री की रेस भी बड़ी लंबी थी, बने कौन सबके सामने है। और इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी खत्म करने वाले अगर कार्यकारिणी बनाएंगे तो भगवान ही मालिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बर्बाद करने वालों का खुलासा भी करूंगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि विधायक विधानसभा देखेंगे या संगठन का काम। ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है, सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। श्योपुर में जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने कहा कि हर जगह घर घर नल लग रहे हैं और हमारे यहां पानी की किल्लत हो रखी है। तो वहीं विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बता दें कि रामनिवास रावत विजयपुर के हुल्लपुर गांव में जनसंपर्क के लिए गए थे। पूरी पाइपलाइन खुदी पड़ी है हुल्लपुर गांव में, अभी पाइप चालू कर देना है। पूरी पाइपलाइन खुदी पड़ी है हुल्लपुर गांव में, अभी
सीहोर के बुधनी में उपचुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री और जिला प्रभारी कृष्णा गौर ने विधानसभा के कई गांवों का तूफानी दौरा किया। बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के समर्थन में नुक्कड़ सभा और घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही कृष्णा गौर ने दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम में डीआईजी नार्कोटिक्स की गाड़ी पर हमला हुआ है। आरोपी ने डीआईजी नार्कोटिक्स की गाड़ी पर रॉड से हमला किया। बता दें कि डीआईजी की गाड़ी और आरोपी युवक की गाड़ी की आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद युवक गुस्से में था। डीआईजी की गाड़ी का पीछा करते हुए रास्ते में रोककर गाड़ी में तोड़फोड़ की, लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया, तो आरोपी कान पकड़कर माफी मांगता हुआ नजर भी आया। वाहन जो रेडिसन चौराहे से MR10 बाईपास की ओर जा रहा था, उस समय ओवरटेक के दौरान आपसी में कुछ डैश लग जाने के कारण से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उस पूरे मामले में पुलिस ने एक FIR अपराध पंजीबद्ध किया है और जो वाहन चालक था उसकी पहचान कर ली गई है और जो गाड़ी थी उसको आइडेंटिफाई किया गया और जो आरोपी इसमें यश अरोरा और उसका एक साथी उस समय और मोड़ उसमें गाड़ी में था जो प्रतीक था, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जो गाड़ी थी बलोनो उसको जब्त किया गया। जबलपुर के गोसलपुर का जिक्र करते हैं। स्कूल टीचर के साथ पड़ोसी ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया, तो वहीं दुष्कर्म की पीड़ित युवती ने जहर खा लिया है। इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि गांव के ही एक शख्स ने युवती को हवस का शिकार बनाया, तो वहीं आरोपी पहले भी कई बार युवती से छेड़छाड़ कर चुका था। वहीं अब चाकू की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने मौत से पहले पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ओंकार पटेल को गिरफ्तार कर लिया। इसके परिजन ने थाना गोसलपुर में इस तरह का शिकायत दर्ज कराया है कि उनके ही एक रिश्तेदार जो ओंकार पटेल हैं, वो उसके साथ गलत काम किया था और उसी से क्षुब्ध होकर उसने जहर खाया है। इसमें तत्काल थाना गढ़ा से मर्ग डायरी प्राप्त कर ली गई है और इसमें परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और जो आरोपी बता रहे हैं ओंकार पटेल, उसको हिरासत में भी ले लिया गया है और जल्द ही इसमें मामला दर्ज कर इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। रतलाम पुलिस ने देर रात जुआ खेल रहे जुआरियों का जुलूस भी निकाला। माणक चौक थाने से कोर्ट तक पुलिस जुआरियों को पैदल मार्च करते हुए लेकर पहुंची। पुलिस ने जुआरियों से करीब 2 लाख रुपए बरामद भी किए। खास बात यह है कि इस बार पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जुआ खिलाने वाले आरोपी एजाज के खिलाफ BNS की धारा 112 में मामला दर्ज किया। 7 साल तक सजा का प्रावधान है इसमें। जुआ खिलवाने वाला आरोपी एजाज फरार है। एक जुए पे जो है कार्रवाई की गई है थाना मानक चौक के द्वारा। शहर के बीचों बीच ये जुआ लंबे समय से चल रहा था, इसकी सूचनाएं मिल रही थी। इसको लेकर के कार्रवाई की लगभग 1,92,000 रुपये की जो है सीजर की गई है। इम्पॉर्टेंट ये है कि लगभग 17 आरोपियों को जो है इसमें जो है आरोपी लगभग 19 आरोपी बनाए गए हैं और लगभग जो है 17 आरोपियों को जो है अभी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 112 BNS जिसमें कि 7 साल तक की सज़ा होती है और ऑर्गेनाइज्ड तौर पर गैम्बलिंग करते हैं लोग, तब उनको लगाई जाती है, उसमें भी लगाया गया है ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा जाए कि किसी भी तरीके से जुआ जो है अगर ऑर्गेनाइज्ड तौर पर चलेगा तो उसको टॉलरेट नहीं किया। रायसेन का जिक्र करेंगे। टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी हुई है। टोल मैनेजर ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर दी। महिला कर्मचारी ने ऑटो ड्राइवर को धमकी दी है। ड्राइवर को झूठे केस में फंसाने की धमकी महिला के द्वारा दी गई। पुलिस ने शांत कराया है फिलहाल पूरा मामला। ये तस्वीरें आपके सामने रायसेन की। मध्य प्रदेश में दिवाली के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जबलपुर में पुरानी खोया मंडी में खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई कर दुकानों के सैंपल जांच के लिए सैंपल भेजे हैं, तो वहीं भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने ISBT बस स्टैंड के पास 16 क्विंटल मावा को कब्जे में लिया, जांच के लिए सैंपल भेज दिया। ये
ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जबलपुर और भोपाल की। मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार एक्शन खाद्य विभाग की टीम ले रही है और जगह जगह छापामार कार्रवाई भी हो रही है। कई जगह से सैंपल भी लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। जब जैसी भी गड़बड़ी सामने आएगी उस के बाद कार्रवाई होगी। ये माना जा रहा है कि जो ग्वालियर या भिंड मुरैना तरफ से जो खोवा आ रहा है वो थोड़ा मिलावटी होता है। उसके देखते हुए समस्त दुकानों में निरीक्षण किया जा रहा है, उनके लाइसेंस भी चेक किए जा रहे हैं और नमूने भी लिए जा रहे हैं। नमूने ले करके हमारे पास MFCL लैब भी है जो तत्काल जांच कर रही है। तत्काल जांच करने के पश्चात अगर ये प्रतीत होता है कि ये खोवा मिलावटी है अगर, तो हम लोग नमूने लिए हैं। उसके अलावा भी जो नमूने लिए जा रहे हैं वो राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। जाँच रिपोर्ट पश्चात इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर ये अवमानक स्तर के पाए जाते हैं।